नमस्कार, मैं हूँ भारती भारद्वाज। हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज की कुछ मुख्य समाचार। बुरी दौर से गुजर रहा पेंटागन मॉल त्योहार पर भी कर रहा ग्राहकों का इंतजार। त्योहार की अगर बात करें तो जैसे ही वर्ष में हिंदू त्योहारों की शुरुआत होती है तो कई जगह बाजार सजने शुरू हो जाते हैं, लेकिन त्योहारों के इस अवसर पर भी यदि कोई बाजार सूना पड़ा रहे तो ये एक दुर्भाग्य की बात हो सकती है। हरिद्वार का पेंटागन मॉल इस आस में बैठा है कि कम से कम त्योहारों पर तो लोग यहाँ उसने शुरू हो जाएंगे, लेकिन यहाँ भी पेंटागन का दुर्भाग्य ही नज़र आ रहा है। आज करवा चौथ का त्यौहार है और हरिद्वार में जगह जगह बाजार सजे हैं। दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ दिख रही है, लेकिन शहर से दूर सिडकुल स्थित पेंटागन मॉल आज भी सूना पड़ा ग्राहकों की बाट जो रहा है। हालांकि इक्का दुक्का ग्राहक रोजाना की भांति नज़र तो आए, लेकिन करवा चौथ पर जिस तरह की रौनक पहले नज़र आती थी वह अब पूरी तरह फीकी पड़ चुकी है। और ग्राहकों की रुख की अगर बात करें तो पेंटागन मॉल के बाहर या आसपास अच्छे खासे बाजार भी खुल चुके हैं, जिस कारण ग्राहक अब पेंटागन न जाकर बाहर से ही अच्छी और सस्ती खरीदारी कर रहे हैं। नवोदय नगर रोशनाबाद में खुला सस्ता मार्ट। बाजार की अगर बात करें तो पेंटागन से कुछ ही दूरी पर नवोदय नगर में एक अच्छा और सस्ता मार्ट खुल चुका है, जहां से ग्राहक कम कीमत पर घरेलू सामान की खरीदारी कर रहे हैं। क्योंकि इस क्षेत्र के लोग थोड़ा बहुत सामान की खरीदारी करने के लिए पेंटागन पहुंच जाते थे, लेकिन अब उनके बिल्कुल नज़दीक ही एक बड़ा मार्ट जो स्मार्ट भी है खुल चुका है, जिस कारण अब ग्राहक माल न जाकर यहीं से खरीदारी कर पैसा और समय दोनों की बचत कर रहे हैं। बात करते हैं शिवालिक नगर के करिश्मा मार्ट की। करिश्मा मार्ट की अगर बात करें तो इस मार्ट में भी आपको कम कीमत पर घरेलू और त्योहारों का लगभग सभी सामान उपलब्ध मिलेगा, जिस कारण शिवालिक नगर से भी अब ग्राहकों के लिए एक अच्छा विकल्प मिल चुका है। शिवालिक नगर से जो ग्राहक माल पहुंचकर थोड़ी बहुत खरीदारी कर लेते थे वे अब करिश्मा मार्ट से ही खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि यहां भी आपको कम कीमत पर अच्छा सामान गुणवत्ता का सामान उपलब्ध हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पेंटागन मॉल के आसपास खुले सस्ते बाजार भी इस मॉल के लिए परेशानी का सबब और सरदर्द बन रहे हैं, जिस कारण दिन प्रतिदिन मॉल की हालत बिगड़ती और खस्ता होती जा रही है। हरिद्वार शहर के लोगों से माल देखने की इच्छा भी लगभग लगभग खत्म सी होती दिखाई दे रही है। ना तो मॉल मैनेजमेंट के पास जनता को आकर्षित करने की कोई योजना नजर आती है और ना ही जनता का कोई रुख या दिलचस्पी मॉल के प्रति अब नजर नहीं आ रही है। हरिद्वार उत्तराखंड से अर्चना धींगरा, सब एडिटर हिंदुस्तान न्यूज 24।